लोकसभा चुनाव का मतदान मुरादाबाद में पहले चरण में 19 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर जहां प्रशासन तैयारी में जुटा है तो वहीं राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी भी अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल भी प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, लगातार जनता के बीच में पहुंचकर अपने हक में वोट की अपील कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह चौधरी जनपद मुरादाबाद के कांठ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सर्वेश सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान मंच से विपक्ष पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि देश के कमीरों और किसान वर्गों के साथ न्याय हुआ है, चौधरी चरण सिंह के साथ न्याय हुआ है, भारत सरकार ने ये चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। विपक्ष के साथ जब हमारा साथ था, उनके दिल में चौधरी चरण सिंह थे, विपक्ष के पेट में दर्द है, वो समझ नहीं पा रहे ऐसा कैसे हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो एक विचारों का एक संगम है। जो सरकार चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे सकती है वो सरकार आपके विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। देश के कमेरे और किसान वर्ग के साथ आज न्याय हुआ है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, नहीं कह पाए, क्योंकि जब तक उनका स्वार्थ था तब तक उनके दिल में चौधरी चरण सिंह, भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया, कोई छोटी बात नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत लोगों के पेट में दर्द हुई, बहुत लोगों को समझ नहीं आया ये क्यों और कैसे हो गया। आपके विचारों को लेके हम लोगों को साथ चलना है। और अब कल ही जो घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीधा दिखाती हैं कि एक मेल है, एक संगम है विचारों का। और चौथा की बात, सबसे पहले तो जो यशवी जी कह रहे थे जो आज योजना बनती है, बिचौलिए की प्रथा को समाप्त कर दिया, उस कारण से भेदभाव नहीं हो सकता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी जाति से हो, क्योंकि डेटा है तब सरकार का और नई विधि के प्रयोग करके योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, सीधा एक झटके में खातों में पैसा पहुंच जाता है, चाहे वो आयुष्मान हो चाहे प्रधानमंत्री। और जो सरकार चौधरी साहब को भारत रत्न दे सकती है वो कोई कसर छोड़ेगी क्या? आपके कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, तो आप भी कोई कसर मत छोड़िएगा। मौसम बदल रहा है, जब जब किसान की पकी फसल होती है तो इस तरह के आसार आते हैं, प्रकृति की मार भी हम लोग झेलते हैं, लेकिन 19 तारीख में और जब ऐसा मौसम आता है तो तुरंत किसान कहता है भाई पहले खेत